SBI का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इनका ऑफिशियल ऐप SBI योनो को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। जैसे ही हम इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर और न्यू टू SBI। तो देखो हम यहाँ पर अपना एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर न्यू टू SBI के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि ओपन सेविंग्स अकाउंट, होम लोन, कार लोन, फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस कोड। हमें यहाँ पर अपना एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है ओपन सेविंग्स अकाउंट। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने यहाँ पर दो और ऑप्शन आएंगे, विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट। देखो जो ये अकाउंट है, ये अकाउंट हमारा ऑनलाइन भी खुल जाता है और बैंक की ब्रांच विजिट करके भी खुल जाता है। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे इस अकाउंट को खुलवाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जो कि है विदाउट ब्रांच विजिट। जैसे हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तब हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा आएगा इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। देखो जो हम ये अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। तब हमें इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो आपके सामने एक चेकबॉक्स भी होगा, आई वॉन्ट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। तो देखो ये चेकबॉक्स वही लोग सिलेक्ट करना जिन लोगों को अपना ये अकाउंट एक सैलरी अकाउंट की तरह यूज करना है। अगर आपको एक नॉर्मल अकाउंट की तरह यूज करना है तो इस चेकबुक को टिक मत करना। कई लोग होते हैं जिनको अपनी सैलरी लेनी होती है तो यहाँ पर इस अकाउंट पर फिर उसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल यूज करना है तो हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, सीधा सीधा हमने इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट हम सीधा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो कि है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब हमसे यहाँ पर पूछा गया एम्प्लॉयर डिटेल्स। एम्प्लॉयर डिटेल्स मतलब कि अगर आप किसी डिफेंस बैकग्राउंड से या कहीं पे प्राइवेट जॉब कहीं पे कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर डिटेल्स हैं तो देखो यहाँ पर कुछ किसी को कुछ इतना मिलेगा नहीं तो सीधा सीधा डायरेक्ट नीचे एक चेकबॉक्स होगा माय एम्प्लॉयर इज नॉट लिस्टेड अबव, तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस चेकबुक पर टिक करोगे उसके बाद नीचे ऑप्शन होगा नेक्स्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो KYC प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो देखो इस अकाउंट को जब हम ओपन करते हैं तो लास्ट में आपकी वीडियो KYC होती है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि वीडियो KYC के बारे में कि आपकी पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग होगी, सारी की सारी चीज़ें आप ये पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सीधा सीधा नीचे डायरेक्ट ऑप्शन होगा चेकबुक को टिक करने का, आप उस चेकबुक पर टिक कर देना, देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस एट ग्लांस, ये भी वही बता रखा है, पूरा का पूरा प्रोसेस बता रखा है कैसे है वो इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा यहाँ पर भी आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद सीधा सीधा नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पर आपको दोनों ही OTP एंटर करने हैं। मोबाइल वाला OTP मोबाइल वाले सेक्शन में एंटर करना और ईमेल वाला OTP ईमेल वाले सेक्शन में एंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको कहा गया है प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। यहाँ पर आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। बेसिकली आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है कि जिसमें मतलब कि नंबर्स भी हो, करेक्टर्स भी हो और स्पेशल करेक्टर्स भी हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल साइड में दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाओगे वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको री एंटर पासवर्ड में डालना है। री एंटर पासवर्ड में डालने के बाद नीचे आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली सिक्योरिटी क्वेश्चंस रिकवरी के लिए होते हैं, इन्हें भर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट होगी, इसमें से आप अपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है व्हाट इज नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आंसर में उसका आप फिर नाम डाल देना, मैं अपने अकॉर्डिंगली नाम डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपके सामने एक चेकबुक्स आएगा, आपको सिंपली इस चेकबुक पर टिक करना है। चेकबुक पर टिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल, मतलब कि अब हम यहाँ पर आपको पूरी की पूरी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है कैसे क्या क्या, वो आपको वीडियो में मैं बता दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको सिंपली यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे एक चेकबॉक्स होगा आई एग्री टू द अबव का, आपको सिंपली उस पर टिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है डिटेल्स, चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग, एंटर आधार नंबर। बेसिकली यहां पर हमें अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आप जैसे ही अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करोगे उसके बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा,
हमें वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है, देन नीचे हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर जो हमारी डिटेल्स हैं यहाँ पर आधार कार्ड से फेच कर ली गई हैं, तो एक बार आप इन्हें चेक जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ डिटेल्स होंगी जैसे कि स्टेट वगैरह, तो ये आपको अपने खुद ही अकॉर्डिंगली एक बार चेक करके भर लेना पूरा। यहाँ पर बेसिकली ये फिल नहीं होंगी तो आपको खुद ही फिल करनी होंगी। जिस भी स्टेट में आप रहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर ले रहे, जिस भी गाँव में रहते हो। तो सारी डिटेल भरने के बाद नीचे आपके पास एक चेकबुक होगा, उसको आपको टिक करना है। जैसे ही आप चेकबुक को टिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कोरस्पोंडिंग्स एड्रेस। अब बेसिकली कोरस्पोंडिंग्स एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? जो वो एड्रेस होता है कि जो भी आपको बैंक से चीज मंगवानी हो, मतलब कि आपने अकाउंट खुलवाया, बैंक पासबुक भेजेगा, तो बैंक जो पासबुक भेजेगा वो आपको इसी एड्रेस पर भेजेगा। तो ये एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल ढंग से फिल कर लेना, यहाँ पर कोई मिस्टेक ना करना। ये सारा एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आपके पास तीन चेकबॉक्स होंगे, सिंपली आपको तीनों ही चेकबुक को टिक करना है। चेकबुक को टिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल एंटर योर पैन, मतलब कि अब हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही हम अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे उसके बाद हमें सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड पर फोटो होगी वो बेसिकली यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी, उसे चेक कर लेना, देन सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप कितना पढ़े हुए हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे आपकी एडिशनल डिटेल्स पूछी गई है, मतलब कि यहाँ पर आपके फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, आपकी सिटी वगैरह पूछी गई है। तो बेसिकली सारी की सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। बेसिक बेसिक डिटेल है तो सबको पता होता है कि घर पे पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, कौन से शहर में रहते हो। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एडिशनल डिटेल के अंदर ऑक्यूपेशन पूछी गई है, मतलब कि बेसिकली आप क्या करते हो, कि आप कहीं पर सर्विस करते हो, कि खुद का बिजनेस रन करते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी नॉमिनी की डिटेल पूछी गई है, मतलब कि आप किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी बेसिकली वो होता है कि आपके जाने के बाद, भगवान ना करे कि आप जाएं, बट आपके जाने के बाद इस अकाउंट को जो भी मालिक होगा, मतलब कि जो भी इस अकाउंट में पैसे पड़े होंगे अगर आप चले गए, तो उस नॉमिनी एक्सेस कर सकते हैं इस अकाउंट को। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी बनाना होगा, तो उसकी डिटेल्स देनी होंगी। तो जिसे भी आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर उसकी सारी की सारी डिटेल्स दे दें। बेसिक बेसिक डिटेल है कि नॉमिनी का नाम, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर दें नॉमिनी की। नॉमिनी की डिटेल एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर होम ब्रांच। अब यहाँ पर आपको खुद ही अपनी एक होम ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी। SBI यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आपको यहाँ पर कौन सी ब्रांच के अंदर अपना खाता खुलवाना है। तो बेसिकली जो भी ब्रांच आपके घर के सबसे नजदीक हो उस ब्रांच का नाम यहाँ पर आप लिख दें, या फिर अगर आपको ब्रांच कोड पता हो तो ब्रांच कोड डाल दें। तो बेसिकली जो भी आपके घर के पास सबसे नजदीकी ब्रांच होगी तो यहाँ पर आप सीधा सीधा यहाँ पर सिलेक्ट कर ले ब्रांच नेम में, फिर उस ब्रांच का नेम एंटर कर दें। जैसे ही आप ब्रांच का नेम एंटर करोगे तो यहाँ पर आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, आपको सिंपली नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है। जैसे ही आप चेकबुक पर टिक करोगे तो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको वो यहाँ पर OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया डेबिट कार्ड डिटेल्स, नेम ऑन कार्ड। देखो जो भी डेबिट कार्ड घर आता है उसके ऊपर डेबिट कार्ड पे नेम लिखा होता है, तो नेम आप अपने अकॉर्डिंगली रखवा सकते हो कि आपको क्या रखवाना है। अब जैसे मेरा नाम पुलकित है तो यहाँ पर मैं पुलकित लिख दूंगा, अगर मेरे को कुछ और लिखवाना तो मैं यहाँ पर वो लिख दूंगा। तो आपकी मर्जी है कि डेबिट कार्ड के ऊपर आप क्या नाम चाहते हो। बेसिकली वैसे एक स्टैंडर्ड तो ये है कि अपना पूरा का पूरा नाम लिख दे, फुल नेम। जैसे मेरा नाम पुलकित मदान है तो मैं यहाँ पर पुलकित मदान लिख दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख देना। उसके बाद नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आई वॉलंटरी एक्सप्रेस कंसेंट टू द ऑथराइज्ड टू द बैंक की चेकबुक्स पर टिक करना है। जैसे आप इस चेकबुक पर टिक करोगे तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन का वो तो देखो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपनी वीडियो KYC करानी है। जब तक हम अपनी वीडियो KYC नहीं करवाएंगे तब तक हमारा अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर अपनी वीडियो KYC करवानी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है वीडियो KYC प्रोसेस, तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि वीडियो KYC का क्या है। तो इसे एक बार आप रीड आउट कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, A4 साइज ब्लैंक पेपर होना चाहिए, ब्लू
पेन होना चाहिए, आसपास कोई नहीं मतलब बैठा होना चाहिए, मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार इसे पढ़ लेना। सिंपली यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये वीडियो के वाइसी है, ये आपको 5 दिनों के अंदर अंदर करानी होगी। हम तो अभी साथ साथ ही करा लेंगे। देखो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मान लो अगर आपने बैंकिंग आर्ट्स के अंदर अकाउंट ओपन करा है तो आपकी वीडियो के वाइसी साथ साथ हो जाएगी। मान लो अगर आपने रात को अकाउंट ओपन करा, अब मान लो कि 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, अब रात को तो कोई बैंक का बंदा नहीं बैठा होगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको जो भी टाइम सिलेक्ट करोगे तो उसी टाइम पर आपको ये ऐप फिर से ओपन करके रिज्यूम एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहाँ पर आपको वीडियो के वाइसी का ऑप्शन आएगा। बट अगर आपने बैंकिंग आर्ट्स में किया है तो यहाँ पर आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट वीडियो कॉल का। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वीडियो के वाइसी। यहाँ पर आपको सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास परमिशंस मांगी जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर कैमरा की परमिशंस होती है, माइक्रोफोन की परमिशंस होती है, लोकेशन होती है। यहाँ पर आपको सभी परमिशंस को अलाउ करना है क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी वीडियो के वाइसी होगी। अब मोबाइल के अंदर आपने परमिशन नहीं दे रखी कैमरा एक्सेस की तो वो कैमरा ओपन ही नहीं होगा, तो वहाँ पर एजेंट भी क्या करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको सारी की सारी परमिशंस अलाउ करनी होती है। या आपके पास सीधा सीधा ही जैसे आप वीडियो के वाइसी स्टार्ट करोगे तो आपके पास परमिशंस का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा। तो पर आपको सभी को अलाउ करने, परमिशन अलाउ करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है यू आर ऑल सेट। देखो अब यहां पर पता नहीं कितने हजारों बंदे अकाउंट खुलवा रहे होंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो यहां पर आपको 5 मिनट वेट करने। तो जैसे ही ये वेटिंग टाइम ओवर होगा उसके बाद आपके सामने एक SBI का एजेंट असाइन हो जाएगा। वो यहां पर आपकी वीडियो के वाइसी करेगा, वो आपको कहेगा कि आप अपना पैन कार्ड शो करो, आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, वो आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बता देंगे क्या चीज है। जैसे ही आपकी वीडियो के वाइसी कंप्लीट होगी तो यहां पर लिखा आ जाएगा थैंक यू, मतलब कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस SBI जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का। बाकी अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो एक बार आप चैनल चेक जरूर कर सकते हैं। बाकी किसी को SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपली बेसिक स्टेप है उसका क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी वीडियोस है तो आप देख लेना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।